दोस्तों दिल्ली के प्रमुख रेलवे स्टेशन की बात करें तो वो है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन और हजरत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन, और पास में ही है आनंद विहार रेलवे स्टेशन। कई बार क्या होता है कि आपकी ट्रेन निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन तक होती है और आपकी जो कनेक्टिंग ट्रेन होती है वो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से होती है या फिर पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से। तो इस तरीके से अगर आपकी ट्रेन है और आपको एक रेलवे स्टेशन से दूसरे रेलवे स्टेशन जाना है तो किस तरीके से आप दिल्ली में ईजिली एक रेलवे स्टेशन से दूसरे रेलवे स्टेशन जा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपकी ट्रेन निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर ख़त्म होने के बाद आपको दूसरी ट्रेन न्यू दिल्ली से लेनी है तो सबसे अच्छी जो सुविधा है और बेस्ट ऑप्शन है वो मैं कहूँगा कि आप उसी रेलवे स्टेशन से कोई भी ट्रेन पता कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी ट्रेनें आपको टाइम टू टाइम मिल जाएंगी जो निज़ामुद्दीन से न्यू दिल्ली जाती है, न्यू दिल्ली से निज़ामुद्दीन आती है। तो कोई भी आप लोकल टिकट परचेस करके आप किसी भी ट्रेन में बैठ के जा सकते हैं। और जो दूसरा अगर माध्यम की बात करें तो वो है कि मेट्रो। तो जितने भी दिल्ली में रेलवे स्टेशन हैं लगभग सभी रेलवे स्टेशन के पास में ही आपको मेट्रो स्टेशन मिल जाता है। जैसे कि हजरत निज़ामुद्दीन का जो रेलवे स्टेशन है उसके जस्ट नियर पे ही आपको मिलता है हजरत निज़ामुद्दीन का मेट्रो स्टेशन। तो आप यहाँ से मेट्रो के माध्यम से भी जा सकते हैं। गेट नंबर 2 हजरत निज़ामुद्दीन मेट्रो स्टेशन है, पिंक लाइन की ये सर्विस है। तो आपको पिंक लाइन से फिर आपको चेंज करना होगा, येलो लाइन आप चेंज करके आप न्यू दिल्ली पहुंच सकते हैं। मात्र 25 मिनट का ये रास्ता है। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट आप यहाँ पे मेट्रो पे निकल जाइएगा, लेकिन मेट्रो पे आप इतना लगेज लेके ट्रैवल नहीं कर सकते। तो बेस्ट ऑप्शन आपके लिए रहेगा कि आप ट्रेन से ही ट्रैवल कर ले या तो फिर ऑटो कर ले। ऑटो का किराया आपको 200 से 250 रुपये लगेगा यहाँ पे पहुँचाने के लिए। आप दिल्ली के DTC बस की सर्विस भी ले सकते हैं जो आपको 45 से 50 मिनट में आपको पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन या न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचा देगी और किराया भी काफ़ी कम लगेगा। अगर आपके पास टाइम है तभी आप बस की सर्विस लें, क्योंकि दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होता है तो हो सकता है आपकी ट्रेन मिस हो जाए। तो आपको अगर एक रेलवे स्टेशन से दूसरे रेलवे स्टेशन जाना है तो आप ट्रेन आप पहले सेलेक्ट कीजिए या तो फिर आप मेट्रो से भी जा सकते हैं। मेट्रो में एक इशू आप लोगों को क्या आएगा कि अगर आपके पास ज़्यादा लगेज है या कुछ ऐसा टूल है तो आप उसके साथ ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। तो आप ट्रेन लोकल ट्रेन ले लीजिए या तो फिर आप ऑटो ले सकते हैं। ऑटो का किराया आपको 150 से 200 रुपये के लगभग में पड़ जाएगा। या तो अगर आपके पास टाइम है तो आप बस की सर्विस ले सकते हैं। जो भी सर्विस यहाँ पे आपको लेना है सबकी जानकारी मैंने आपको दे दी है, कितना टाइम लगेगा और किस तरीके से आपको वहाँ पे जाना है और कौन सा रेलवे स्टेशन कहाँ पे है। रेलवे स्टेशन की वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखी है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ आप जाके सभी रेलवे स्टेशन की डिटेल चेक कर सकते हैं, कौन सा प्लेटफॉर्म किधर से आपको एंट्री करनी, कहाँ से आपको मेट्रो मिलेगी। दोस्तों ये जानकारी थी आपको कि अगर आप एक रेलवे स्टेशन से दूसरे रेलवे स्टेशन जाना चाहते हैं, निज़ामुद्दीन से पुरानी दिल्ली या न्यू दिल्ली या आनंद विहार, तो आप किस तरीके से जा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और अगर आपकी कोई क्वेरी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।